हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नीरज सिंह एंड वेलकम इन इनक्रेडिबल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बाय नीरज सिंह। तो जैसे कि स्टूडेंट, मैं आप लोगों को केमिस्ट्री जो है 11th क्लास ही पढ़ा रहा हूँ और उसमें जो है वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशन जो होता है वो पढ़ा रहा हूँ। तो आज जो हमारा स्टार्ट होगा स्टूडेंट कि सोल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट की जो क्वांटिटी होती है उसको मेजर करते हैं, जिसको आप लोग बोलते हैं कॉम्पोजिशन, स्ट्रेंथ, कंसंट्रेशन, एक्टिव मास, सॉल्युबिलिटी। ये पांचों जो टर्मिनोलॉजी बिल्कुल सेम है, ये किसी भी सॉल्यूशन को होता है, यानी किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कितनी क्वांटिटी है इसी चीज को कॉम्पोजिशन, स्ट्रेंथ, कंसंट्रेशन, एक्टिव मास, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। और इसका मास होता है ग्राम पर लीटर। क्या होता है? ग्राम पर लीटर भी हो सकता है और या मोल पर लीटर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आज स्टूडेंट में मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और मास पर लीटर आपको पढ़ाऊंगा, जिसे ग्राम पर लीटर भी बोलते हैं। तो पहला वाला मास परसेंटेज है, बिल्कुल सिंपल है, जैसे इसका सिंबल डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू होता है। ये आप लोग कभी मेडिसिन देखेगा, जब कभी आप लोग का कोई मेडिसिन हो लिक्विड फॉर्म है तो उसमें जो कॉम्पोजिशन होता है वहां देखिए ऐसे डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू या वी अपॉन वी ये सब चीज लिखी रहती है। तो आज मैं डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू बताने जा रहा हूं। तो पहली चीज बता दूं स्टूडेंट की मास परसेंटेज जो होता है स्टूडेंट वो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में अप्लाई होता है, यानी सॉल्यूट चाहे आपका सॉलिड हो चाहे लिक्विड में हो चाहे गैस में। सॉल्यूट आप लोग जानते हैं, सॉलिड और सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बनता है, तो सॉल्यूशन का ही कंसंट्रेशन निकालना, क्योंकि इसमें जो है सॉल्यूट की क्वांटिटी निकालना। तो इसका सिंपल से मास परसेंटेज में क्या होता है सॉल्यूट का निकालने के लिए है कि मास उस सॉल्यूशन के अंदर मास का जो सॉल्यूट है उसका कितना मास है और मास ऑफ सॉल्यूशन पूरे सॉल्यूशन का कितना, यानी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कर दे, इनटू 100 कर दे, ये मास परसेंटेज निकालेगा, ठीक है स्टूडेंट। अब मास ऑफ सॉल्यूशन में आप मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं। तो ये भी फॉर्मूला है, मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूट प्लस, देखिए लिखा है प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इसका सिंबल हमने ये लिख दिया, ये पूरा लिखा हुआ है, ओके स्टूडेंट, यही सिंबल है। तो ये ध्यान रखना मास परसेंटेज सॉलिड लिक्विड गैस तीनों तरह के सॉल्यूट में काम करता है। अगला स्टूडेंट हमारा है वॉल्यूम परसेंटेज। तो जैसे आप समझ वॉल्यूम है तो ये केवल लिक्विड और गैस में काम करता है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा लिक्विड और गैस में, इसमें सॉलिड भी काम नहीं करता कभी भी। तो वॉल्यूम ऑफ परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट निकालने की, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कोई भी गैस या लिक्विड हो सकता है इनटू 100 डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का पूरे वॉल्यूम का जो ये रेशियो करके निकालते हैं ये परसेंटेज हमारा वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट निकलेगा। ये दूसरा है वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट मतलब ये लिक्विड या गैस फॉर्म में होगा सॉल्यूट, और इनटू 100 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, इन दोनों को मिला देंगे, यानी इन दोनों मिला देंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बन जाएगा। तो वही चीज है, तो ये इसके सिंबल भी बना दिए, तो ये लिक्विड, तो ये वॉल्यूम परसेंटेज निकल आएगा। वॉल्यूम परसेंटेज यानी कि सॉल्यूट के सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट जो लिक्विड या गैस फॉर्म है उसका कितना वॉल्यूम उसमें डिसॉल्व है, ठीक है। तीसरा मास पर लीटर या डब्ल्यू अपॉन वी से दिखाते हैं या ग्राम पर लीटर, इसमें क्या था मास ऑफ सॉल्यूट पर लीटर, मतलब एक लीटर सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट का कितना मास डिसॉल्व है। देखिए मास हम बोल रहे हैं ना, तो यानी मास ऑफ सॉल्यूट यानी डब्ल्यू क्या है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का वॉल्यूम ले लीजिए और उसमें हमारा सॉल्यूट मास में कितना ग्राम उसमें डिसॉल्व है वो निकाले, और वॉल्यूम जो सॉल्यूशन लेंगे लीटर में लेंगे, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट लीटर में लेंगे, तो हमारा ये निकले। तो यानी डब्ल्यू अपॉन वी यानी डब्ल्यू यानी कि इट इज ए मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये हमारा, तो ये हमारा आज मास पर लीटर। तो स्टूडेंट में ये कंसंट्रेशन या जो भी आपका एक्टिव मास सॉल्युबिलिटी जो भी ये सॉल्यूशन का है, ये मैंने तीन प्रोसेस आपको बता दी। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा स्टूडेंट। और सारे नोट्स आप लोग बिल्कुल सिस्टमेटिक बिल्कुल मेरे होम चैनल में जो प्लेलिस्ट में बने हुए उसी से आप लोग नोट्स जरूर बना लीजिएगा स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, ओके बाय बाय।